फ्रेंड्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाऊंगा। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। देखिए, फिजिक्स का वह ब्रांच जिसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करें और चार्ज रेस्ट में रहे, ये ब्रांच है फिजिक्स का। इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और चार्ज क्या रहा है रेस्ट में, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। आइए अब इसका डिफिनेशन हम लोग लिखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, फिर से एक बार देखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स का ब्रांच है, इसमें हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं और चार्ज भी क्या रहा है रेस्ट में। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज एट रेस्ट। इस पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके बाद इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी एंड कैपेसिटर, इन सारे पॉइंट्स के बारे में स्टडी करते हैं, इन सारे टॉपिक के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। और तो हम लोग कह सकते हैं कि हियर वी स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड एनर्जी एंड कैपेसिटर। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डिफिनेशन लिख लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाते हैं। आखिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट हुआ, ये बता रहे हैं। देखिए, 600 BC की बात है। ग्रीक फिलोसोफर थेल्स, थेल्स का नाम आपने मैथमेटिक्स में ऐसे भी 10th क्लास में सुना होगा, थेल्स थ्योरम बहुत ही फेमस थ्योरम है। तो उन्हीं थेल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं जो मिलेटस ग्रीक में एक जगह का नाम है। देखिए, नेम ऑफ ए प्लेस, ऑब्जर्व डेट उन्होंने पाया एम्बर। एम्बर क्या होता है, ये पीले रंग का, येलो कलर का रेसिनस, रेसेदार सब्सटेंस होता है, रेसिनस सब्सटेंस, जो बाल्टिक समुद्र, ग्रीक में एक बाल्टिक सी है, उसके किनारे पे पाया जाता है ये पीले रंग का सब्सटेंस। इसको जब रग्ड कर दिया जाता था, मतलब रगड़ दिया जाता था ऊन के साथ, तो इसके पास एक प्रॉपर्टी आ जाता था, गुण आ जाता था, मीन्स ये लाइट ऑब्जेक्ट्स, मतलब लाइट पार्टिकल्स, हल्के पार्टिकल्स, जैसे पीस ऑफ पेपर्स, कागज के छोटे छोटे कण, लीव्स, पत्ती का छोटा छोटा टुकड़ा, डस्ट पार्टिकल्स, धूलकण, इटीसी, इन सभी चीज़ों को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था। तो द ग्रीक नेम ऑफ एम्बर, इस एम्बर सब्सटेंस का जो ग्रीक नेम है वो इलेक्ट्रॉन है, और इसी से वर्ड इलेक्ट्रिसिटी का ऑरिजिनेशन हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के फिर से एक बार नोट कर लें, फिर आगे इस टॉपिक को हम बढ़ाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोगों ने थेल्स साहब के बारे में जाना, 600 BC की बात थी, वही हम लोग बात करते हैं 1600 AD की। एक डॉक्टर थे विलियम गिलबर्ट, ये क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के डॉक्टर थे, इंग्लैंड के महारानी, फर्स्ट महारानी जो थी, प्रथम महारानी, उनके डॉक्टर थे। उन्होंने अपना एक बुक पब्लिश किया था, डी मैग्नेटो, और जो सब्सटेंस ही गिव द नेम इलेक्ट्रिकल टू सब्सटेंसेस लाइक एम्बर। एम्बर के बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जो सब्सटेंस समुद्र के किनारे पाया गया था, बाल्टिक समुद्र के किनारे, थेल्स साहब ने एक्सपेरिमेंट किया था, उस सब्सटेंस को हम लोग एम्बर कहते हैं। तो उन्होंने एम्बर का नाम जो है, जो लाइट ऑब्जेक्ट्स को, जैसे पेपर हो, लीव्स हो, पत्ती हो, उसको अपनी तरफ अटैक करे, उसका नाम उन्होंने लिया टू हिम ऑन एक्सपेरिमेंट फॉर फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी टू काइंड्स ऑफ चार्जेस डेवलप्ड। बताया कि दो काइंड्स ऑफ चार्जेस हैं, और उसका उस सब्सटेंस का उन्होंने इलेक्ट्रिका नाम दिया। बाद में एक और वैज्ञानिक है, ड्यू था, उन्होंने बताया कि चार्ज जो एम्बर पे डेवलप किया उसका नाम उन्होंने दिया रेसिनस, इसलिए रेसिनस कि एम्बर जो था रेसिन था, रेसिदार पदार्थ था, और डेट ऑफ ऊल, और ऊल पर जो चार्ज डेवलप किया उसका नाम उन्होंने विट्रियस दिया। चलिए देखिए स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
सबसे पहले बताते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज जानने से पहले सबसे पहले मैटर की बात करेंगे, पदार्थ की बात करेंगे। चलिए मैटर की बात करते हैं। हम लोग जानते हैं कि दुनिया के सारे मैटर एटम या मोलेकुल्स से मिलकर बने होते हैं, और फाइनली बात करें मोलेकुल्स का, तो मोलेकुल्स भी किससे? एटम्स से ही मिलकर बने होते हैं। यानी दुनिया के हर मैटर एटम से ही मिलकर बनते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, एटम तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं, और इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। मीन्स कि हर मैटर के अंदर में एटम है, और एटम के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। बिना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एटम का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, और बिना एटम के मैटर का निर्माण पॉसिबल नहीं है। डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं कि हर मैटर के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। हाँ, वो फ्री स्टेट में नहीं है, वो एटम के साथ कंबाइंड रहते हैं, लेकिन हर मैटर के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन है तो गारंटेड उसमें निगेटिव चार्ज होगा, प्रोटॉन है तो उसमें गारंटेड पॉजिटिव चार्ज होगा। यानी बिना चार्ज के कोई मैटर पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि चार्ज कैसा? फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का। और कहने का सेंस क्या है फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को, और आइए हम डीपली समझाते हैं आपको फंडामेंटल प्रॉपर्टीज का मतलब बताते हैं। जैसे हम लोग के बॉडी का फंडामेंटल पार्ट्स है लंग्स, हार्ट। यदि लंग्स नहीं हो, हार्ट नहीं हो, तो लाइफ पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली उसी प्रकार से यदि चार्ज नहीं हो, तो मैटर भी पॉसिबल नहीं है। यानी विदाउट चार्ज मैटर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। यानी हर मैटर के अंदर में निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता ही है। तो चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मैटर का, और इसके कारण इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट होता है, और ये स्केलर क्वांटिटी है, और इसको हम लोग स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से यूनिट करते हैं, और इसका एसआई यूनिट कूलम होता है। देखिए, इन बातों को डिफिनेशन के रूप में हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। या आप मेरे साथ भी बोल सकते हैं, यदि आप मोबाइल के सामने बैठे हो स्क्रीन पे, तो स्क्रीन के सामने आप बोल सकते हैं, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड। इट इज ए कैसा क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, एंड एसआई यूनिट इज कूलम। इसको हमने डिफिनेशन के रूप में लिख दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर सकते हैं, और इस डिफिनेशन के नीचे आप इसको भी नोट कर लेंगे। इन बातों को तो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही दिया है। डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं, इट इज फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएटेड, फुल स्टॉप दे रहा है उसके आगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू, एंड एसआई यूनिट इज कूलम। देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको हम काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में बता रहे हैं। आप सुनते होंगे कि चार्ज पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं। कैसे निगेटिव पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो हम आपको बता रहे हैं, काइंड्स ऑफ चार्जेस बता रहे हैं। देखिए, डॉक्टर विलियम गिलबर्ट साहब ने तीन एक्सपेरिमेंट्स किया। सबसे पहले उन्होंने दो ग्लास रॉड लिया। ध्यान से देखेंगे, हम आपको काइंड्स ऑफ चार्जेस बता रहे हैं। देखिए, दो ग्लास रॉड है आपके सामने, और दोनों ग्लास रॉड को उन्होंने ऊल से रब कर दिया, मतलब रगड़ दिया। देयर आर टू, कौन सा रॉड है? ग्लास रॉड रब्ड बाय ऊल, और उसमें से एक को सिल्क के धागे से बांध करके लटका दिया गया, एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय कॉन थ्रेड सिल्क थ्रेड एंड अनदर केप नियर इट। फिर से एक बार एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर रहे हैं, वंस मोर, एक बार फिर से ध्यान देंगे, फिर से देखेंगे। देयर आर टू, कौन रॉड है? ग्लास रॉड रब्ड बाय क्या बेटा? ऊल। मतलब दोनों ग्लास रॉड को किससे रगड़ दिया गया? ऊल से, एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड, एक को उसमें से सिल्क थ्रेड से बांध करके लटका दिया गया। सिल्क थ्रेड इसलिए कि सिल्क थ्रेड जो होता है वो इंसुलेटर होता है, यदि हम इसको लोहा या तांबा के तार से बांध के लटकाएंगे, इसका सारा चार्ज ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे सिल्क थ्रेड लेते हैं, मतलब कोई इंसुलेटर होना चाहिए।
वैसे सब शांत जिसे करंट पास नहीं करे। और दोनों ग्लास रॉड को ऊन से रगड़ने के बाद सिल्क के धागे से बांध के लटका दिया गया है और दूसरे ग्लास रॉड को उसके करीब रखा गया। देखा गया ये ग्लास रॉड इस ग्लास रॉड पर फोर्स इधर लगा रहा है और ये वाला ग्लास रॉड इस ग्लास रॉड पर फोर्स इधर लगा रहा है और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग ये इसको धक्का दे रहा है इधर की तरफ, ये इसको इधर की तरफ धक्का दे रहा है और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग रिपल्सिव फोर्स के नाम से जानते हैं, रिपल्सिव फोर्स बोलते हैं। अगेन फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया नंबर बी में, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा सब्सटेंस को चेंज किया गया। यहां दो प्लास्टिक का रॉड लिया गया और दोनों प्लास्टिक रॉड को फर से रखा गया। फर मीन्स रोएदार कोई सब्सटेंस जैसे बिल्ली का खाल हो ये सब, और दोनों प्लास्टिक रॉड को फर से रगड़ करके रब करके फिर उसमें से एक को सिल्क के थ्रेड से बांध करके लटका दिया गया और दूसरे प्लास्टिक रॉड को उसके करीब रखा गया। देखा गया कि ये प्लास्टिक रॉड इस प्लास्टिक रॉड पर फोर्स इधर लगा रहा है और ये वाला प्लास्टिक रॉड इस प्लास्टिक रॉड पर फोर्स इधर लगा रहा है, मींस पहले ही की तरह फोर्स, यानी फिर इसको हम लोग रिपल्सिव कह सकते हैं, यहां भी फोर्स रिपल्सिव ही है। और लास्ट में अंत में क्या किया गया तो देखा जाए इसी में से एक चार्ज ग्लास रॉड लिया गया। ध्यान से देखेंगे ये ग्लास रॉड है और इस ग्लास रॉड को यहां पे आपने देखा है उल से रब किया गया है और इसी में से एक प्लास्टिक रॉड को यहां लिया गया है। ये प्लास्टिक रॉड है, ये भी चार्ज है, इसको रब किया गया फर से। फिर से ध्यान देंगे आप, इसी में से एक चार्ज ग्लास रॉड जिसको रब किससे किया गया उल से यहां लिया गया है, इसी में से एक चार्ज प्लास्टिक रॉड जिसको रब किससे किया गया है फर से उसको यहां लिया गया है। देखा गया कि ये ग्लास रॉड इस प्लास्टिक रॉड पर फोर्स इधर लगा रहा है और ये प्लास्टिक रॉड इस ग्लास रॉड पर फोर्स इधर लगा रहा है और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव कर रहे हैं, मीन्स अपनी तरफ खींचना, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है और इस प्रकार के फोर्स को हम लोग अट्रैक्टिव करते हैं। फिर से आइए हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। वंस मोर ध्यान देना है, देखिए दो ग्लास रॉड लिया गया, देयर आर टू, कौन सा रॉड, ग्लास रॉड, रब्ड बाय क्या, उल, रब मींस रगड़ना, किससे रगड़ दिया गया उल से, एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड, उसमें से एक को सिल्क थ्रेड से बांध करके लटका दिया गया और दूसरे ग्लास रॉड को उसके नजदीक रखा गया, अनदर केप नियर इट, देयर फोर्स इज रिपल्सिव। अगेन आप अब दूसरे एक्सपेरिमेंट को देखिए, इसमें दो प्लास्टिक का रॉड है और दोनों प्लास्टिक रॉड को किससे रगड़ दिया गया फर से, तो थोड़ा सा देखेंगे सुनेंगे हम लोग। अगेन देयर आर टू, कौन सा रॉड, प्लास्टिक रॉड, रब्ड बाय क्या, फर, एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड एंड अनदर केप नियर इट, देयर आल्सो फोर्स इज रिपल्सिव। इन लास्टली और अंत में आइए, इसी में से एक चार्ज ग्लास रॉड को यहां रखा गया जिसको ऊल से रगड़ा गया था और एक इसी में से एक प्लास्टिक रॉड को यहां रखा गया जिसको फर से रगड़ा गया था। देखा गया कि दोनों के बीच लगने वाला फोर्स कैसा अट्रैक्टिव है, तो इन लास्टली वन ऑफ द चार्ज्ड ग्लास रॉड केप्ट नियर चार्ज्ड प्लास्टिक रॉड, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर है यहां पे फोर्स कैसा रिपल्सिव, यहां पे फोर्स कैसा रिपल्सिव और यहां पर फोर्स कैसा अट्रैक्टिव। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर है कि जो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्सेस हैं वो टू काइंड्स हैं, यहां रिपल्सिव है और यहां अट्रैक्टिव है। सो इलेक्ट्रिक चार्जेस भी कितने काइंड्स, टू काइंड्स, द चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज नेम्ड एज पॉजिटिव और इस ग्लास रॉड पर के चार्ज का नाम क्या दिया गया, पॉजिटिव, और इस प्लास्टिक रॉड पर के चार्ज का क्या नाम दिया गया, निगेटिव, और यहां पे पॉजिटिव और यहां पे निगेटिव, यही पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड यहां और यही पॉजिटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड यहां। इस फिगर से यह भी क्लियर हुआ कि पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर से ध्यान देंगे आप कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सिव फोर्स, निगेटिव निगेटिव के बीच भी रिपल्सिव फोर्स और पॉजिटिव निगेटिव के बीच अट्रैक्टिव फोर्स, मींस कि एक ही काइंड्स पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव के बीच फोर्स कैसा होता है, रिपल्सिव, जबकि अपोजिट काइंड
प्लस माइनस के बीच फोर्स अट्रैक्टिव, या ऐसा भी कहते हैं कि लाइक चार्जेस, लाइक मींस सेम काइंड, मतलब प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, फोर्स कैसा लगता है? रिपल्सिव। एंड अपोजिट काइंड मींस अनलाइक चार्जेस, अनलाइक मींस अपोजिट, यानी प्लस माइनस हो तो फोर्स कैसा लगता है? अट्रैक्टिव। और ये जो पॉजिटिव निगेटिव साइन चार्जेस का है, अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने इसको दिया था। देखिए स्टूडेंट्स, इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हमने यहाँ जो बताया उसको लिख दिया है, मैं एक बार फिर से आपको पढ़ पढ़ के समझा दे रहा हूँ। देयर आर टू, देखिए आपके सामने टू ग्लास रॉड था, देयर आर टू ग्लास रॉड रब्ड, रब्ड मींस रगड़ना होता है, रब्ड बाय ऊल, ऊल से रगड़ा गया, एंड वन ऑफ देम, उसमें से एक को सिल्क थ्रेड से बांध करके लटका दिया गया है, देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड, और दूसरे को उसके करीब रखा गया, एंड अनदर केप्ट नियर इट, तो देखा गया कि ये इस पर फोर्स इधर और ये इस पर फोर्स इधर लगा रहा है, इस प्रकार के फोर्स को हम लोग रिपल्सिव कहते हैं, वही निकाल गया है कि नेट फोर्स इज रिपल्सिव। और ये फिगर ए में है, यहाँ पे हमने ए दिया है फुल स्टॉप, अगेन देयर आर टू कॉन रॉड, प्लास्टिक रॉड रब्ड बाय फर, और दोनों को फर से लगा दिया गया, एंड वन ऑफ देम इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड, और उसमें से एक को सिल्क के धागे से बांध के लटका दिया गया है, एंड अनदर केप नियर इट, दूसरे को उसके करीब रखा गया, तो भी फोर्स कैसा लग रहा है? रिपल्सिव। इसको हमने फिगर बी में रिप्रेजेंट किया है। और लास्टली वन ऑफ द चार्ज ग्लास रॉड इज केप्ट नियर चार्ज प्लास्टिक रॉड, देन फोर्स इज अट्रैक्टिव, तो यहाँ लगने वाला फोर्स क्या है? अट्रैक्टिव। तो आप इसको नोट कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको अच्छे से लिख लीजिए। ऊपर के एक्सपेरिमेंट से क्लियर है, इलेक्ट्रिक फोर्सेस टू काइंड्स है, यहाँ रिपल्सिव, यहाँ रिपल्सिव, यहाँ अट्रैक्टिव, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज भी कितने काइंड्स? टू काइंड्स फ्रॉम द एबव एक्सपेरिमेंट। इट इज क्लियर दैट इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर टू काइंड्स, सो इलेक्ट्रिक चार्जेस आर ऑल्सो टू काइंड्स, इलेक्ट्रिक चार्जेस भी टू काइंड्स होते हैं। इस ग्लास रॉड पर के चार्ज का नाम दिया गया पॉजिटिव, द चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज टेकन एज पॉजिटिव एंड दैट ऑन प्लास्टिक रॉड एज निगेटिव। ये भी क्लियर हो गया कि सेम काइंड ऑफ चार्ज मींस लाइक चार्ज, मतलब एक ही प्रकार के चार्ज के बीच, सेम काइंड एक ही प्रकार के चार्ज के बीच, लाइक चार्ज के बीच फोर्स रिपल्सिव लगता है। इट इज ऑल्सो क्लियर दैट बिटवीन सेम काइंड ऑफ चार्ज, सेम काइंड मतलब लाइक, सेम काइंड ऑफ चार्ज फोर्स इज रिपल्सिव। एंड अपोजिट काइंड मींस अनलाइक इज अट्रैक्टिव। देखिए अब रिपल्सिव फोर्स के लिए हम लोग दो चार्ज स्फीयर लेते हैं, सेम काइंड पॉजिटिव पॉजिटिव, और दोनों को एक ही पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से बांध कर लटकाया गया, धागा से बांध कर लटकाया गया है। ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर फोर्स इधर लगाएगा, और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर इस पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर पर फोर्स इधर लगाएगा, इसको हम लोग रिपल्सिव बोलते हैं। फिर से एक बार रिपीट है। चलिए अब हम लोग निगेटिव के लिए देखें। अब आपके सामने दो निगेटिवली चार्ज स्फीयर है, ये चार्ज स्फीयर इस चार्ज स्फीयर पर फोर्स इधर लगाएगा, और ये चार्ज स्फीयर इस पर फोर्स इधर लगाएगा, इसको भी हम लोग रिपल्सिव ही बोलते हैं। और लास्टली आइए, एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी
और एक निगेटिवली चार्ज बॉडी। यह पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इस निगेटिवली चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अटैक करेगा और यह निगेटिवली चार्ज बॉडी इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को इधर की तरफ अटैक करेगा। नंबर सी अट्रैक्टिव। तो आप इन तीनों फिगर को भी नोट कर लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पूरे टॉपिक को एनसीईआरटी बुक के अनुसार आपको पढ़ाया है। आपके पास यदि एनसीईआरटी का बुक है तो आप मिला करके इनको देख लेंगे, बस उसमें थोड़ा सा लैंग्वेज टफ है। मैंने उनको इजी वे में आपके सामने रिप्रेजेंट किया है और आज इतना ही तक। और थोड़ा सा आप अपना जो भी आपका जो राय विचार हो वो हमको जरूर बताएं आप, कि मैंने कैसे आपको समझाया, अच्छा लगा या नहीं जरूर बताएं।